हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय दो, अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करता है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग कल का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, प्रश्न। ओके, तो हमारा कल का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर कल का क्वेश्चन 3 है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ओके, तो धातु को क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को हमको एक उदाहरण के द्वारा समझाना। ओके, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि जिंक धातु लेते हैं। ओके, तो जिंक क्या धातु, ओके, तो जिसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड लवण का निर्माण करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, विस्थापित करता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इसको विस्थापन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, इस वजह से इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो चलिए इस समीकरण को समझते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जिंक का क्या एक ही मॉलिक्यूल लिया है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो इस प्रकार से क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड लवण का निर्माण करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रख सकते हैं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है एवं हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। दूसरा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाले अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाले अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, तो यहाँ पर हमको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो अभिक्रिया वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है एवं इसका संतुलित समीकरण लिखना। ओके, तो चलिए इसको आंसर को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फार्मूला क्या होता है, तो इसमें ओके, तो चलिए मैं यहीं पर समझा रहा हूँ। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है, सी ए कैल्शियम और कोष्टक के अंतर होता है ए सी ओ थ्री, कोष्टक के बाहर क्या रहता है, 2। अर्थात कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वह सी ए एच सी ओ थ्री 2 होता है। ओके, इसका किसके साथ अभिक्रिया कराना है हमको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो बनने वाला जो उत्पाद होता है क्या होता है, क्रिया के पश्चात बनने वाला जो उत्पाद होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है, साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है 2H2O, साथ ही इसके साथ ही यह क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, इसके साथ ही जल बनाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ओके, तो चलिए अब इस रासायनिक समीकरण को समझते हैं कि यह जो समीकरण है संतुलित है या फिर नहीं। ओके, तो संतुलित है या फिर नहीं, इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल से टिक देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके, तो यहां पर जैसे कि इसके मॉलिकुलर फॉर्म में लिखना कि यहां पर कितनी संख्या है इस एलिमेंट का और यहां पर कितनी संख्या। ओके, तो इस प्रकार क्या है, आप लोग किसी भी समीकरण को आसानी से याद रख सकते हैं एवं उसको संतुलित कर सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम का जो मॉलिकुलर फॉर्म है, कैल्शियम की जो संख्या कितना है, तो कैल्शियम की संख्या 1 है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी कैल्शियम की संख्या 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 1 है, चूंकि यहाँ पर कोष्टक में अर्थात हाइड्रोजन इसका यहाँ पर गुणा होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन का संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। यहाँ पर भी पहले से 2 हाइड्रोजन है तो 2 कितना हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पर 2H2 था, 2 × 4 हाइड्रोजन। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग कार्बन की संख्या देखें तो कार्बन तो केवल यहाँ पर 1 है किंतु कोष्टक में 2 अर्थात कार्बन की संख्या कितना है, 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 2C अर्थात कार्बन की संख्या कितना है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, O3 है, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है, अर्थात 3 × 2 = 6, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 6। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 2 × 4, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। ओके,
ठीक इसी प्रकार हम लोग जो क्लोरीन की संख्या देखते हैं, तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 ही है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर स्त्रियल अर्थात क्लोरीन की संख्या यहाँ पर भी 2 है। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो कैल्शियम है आई मीन जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कोई भी कार्बोनेट आई मीन कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है अर्थात कोई भी धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, आई मीन जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, धातु होता है। ओके, तो कोई भी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, तीसरा, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, ये उदाहरण दीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण दीजिए। ओके, तो जो अधात्विक ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होता है, इसको हम लोगों को समझाना। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। ओके, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्यों होता है, तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। ओके, तो चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जैसे कि अधात्विक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, जो कि किसी भी क्षार के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये क्या है, आपस में अभिक्रिया करके आई मीन आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, अर्थात Na2SO3 सोडियम सल्फाइड साथ ही जल बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसके जो प्रकृति होता है वह अम्लीय होता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, साथ ही जल का भी निर्माण करता है, जिसकी वजह से इसका प्रकृति अम्लीय होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ होगा। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं या फिर नहीं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप लोग तनु विलयन एवं सांद्र विलयन के बारे में याद रखना कि तनु विलयन एवं सांद्र विलयन होता क्या, कौन कौन से विलयन, तो वह है तनु विलयन एवं सांद्र विलयन। ओके, तनु विलयन एवं आई मीन तनु विलयन एवं सांद्र विलयन के बारे में याद रखना। अभी तनु विलयन किसे कहते हैं, तो जब किसी विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। ओके, अब सांद्र विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होता है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ओके, अभी विलेय या विलायक क्या होता है, तो विलेय से आप लोग याद रखिएगा कि जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह विलेय कहलाता है एवं विलायक किसे कहते हैं, जबकि जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुला जाता है उस द्रव को विलायक कहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो यदि आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सके। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था तनु विलयन, तनु विलयन में क्या होता है, इसमें जो विलायक की जो मात्रा होता है वह क्या होता है, विलेय की मात्रा से बहुत अधिक होता है। ओके, तो कैसे, चलिए इसको प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक प्लास्टिक का कटोरा लिया है। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि यहाँ लेते हैं वाटर, वाटर यहाँ पर क्या होता है, विलायक होता है। विलायक किसे कहते हैं, जिस द्रव में क्या है किसी पदार्थ को घुला जाता है उसको विलायक कहते हैं और विलेय। ओके, तो चलिए इसमें विलेय लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने साल्ट लिया था, नमक, साधारण नमक जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या लेते हैं, हम लोग नमक लेते हैं। ओके, अब चलिए इसको घोलते हैं। अभी क्या होगा, यह तनु विलयन होगा। ये क्यों तनु विलयन होगा, तो इसका रीजन क्यों है, तो इसका रीजन क्या है, इसका जो विलेय की जो मात्रा है वह विलायक की तुलना में बहुत ही कम है, अर्थात इसमें विलायक कौन है, तो विलायक पानी है, अर्थात पानी की मात्रा अधिक है, जबकि जो नमक की मात्रा क्या है, कम है, अर्थात उसमें जो विलेय की मात्रा कम है। ओके, तो इसी को क्या बोलता है, तनु विलयन। तो आई होप आप लोगों को तनु विलयन समझ आएगा। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रख सकते हैं।
कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होता है किंतु विलेय की मात्रा कम होता है उसको तनु विलयन कहते हैं। ओके, अभी विलायक किसे कहते हैं? तो कोई भी द्रव में क्या होता है, जिस पदार्थ को खुलाया जाता है तो उसको क्या बोलता है, विलायक कहते हैं। और विलेय किसे कहता है? तो जो पदार्थ को क्या है, किसी द्रव में खुला जाता है उसको विलेय कहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, ये क्या है? तनु विलयन। अब चलिए ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, सांद्र विलयन को समझते हैं कि सांद्र विलयन होता है क्या। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं अर्थात पानी। ओके, तो सांद्र विलयन क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट अर्थात उल्टा होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से साल्ट लेते हैं। यहाँ पर जो साल्ट का जो मात्रा लेंगे उसमें क्या लेंगे, हम लोग अधिक लेंगे। ओके, उसमें एक ही चम्मच लिए थे, इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ओके, जैसे कि आप लोग दूसरे प्लास्टिक कटोरी में देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो साल्ट था, जो नमक की मात्रा है वह अधिक है, अर्थात विलेय की मात्रा क्या है, विलायक की तुलना में अधिक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि तनु विलयन किसे कहते हैं, जिसमें जो नमक की जो मात्रा था, जो विलेय की मात्रा है वह विलायक की तुलना में बहुत ही कम है, और सांद्र विलयन किसे कहते हैं, तो जिसमें विलेय की मात्रा क्या है, विलायक की तुलना में बहुत अधिक है, अर्थात नमक की मात्रा क्या है, पानी की तुलना में बहुत ही अधिक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को तनु विलयन एवं सांद्र विलयन समझ आ होगा कि तनु विलयन एवं सांद्र विलयन क्या होता है। ओके, अब चलिए इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप छह। ओके, तो अब चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे कि अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं या फिर नहीं। 100 ml का एक बीकर लेकर उसमें 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 100 ml का एक बीकर लेते हैं जिसमें हम लोग 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला क्या होता है, तो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मात्रा होगा वह कम होगा। ओके, एक रबर कार्क पर 2 RPL लगाकर बीकर में रख दीजिए, चित्र 4। ओके, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर चित्र 4 में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 4 में देख सकते हैं अम्ल या क्षार के जली विलयन में विद्युत चालन। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि एक रबर कार्क, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, रबर कार्क है, जहां पर एक दो RPL लेते हैं, तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। चित्रानुसार आल्पिनों को 9 वोल्ट की एक बैटरी, टार्च की एक बल्ब तथा स्विच को तांबे के तार के माध्यम से जोड़ दीजिए। ओके, तो चित्र के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक बल्ब, एक स्विच एवं तांबे के तार को क्या करते हैं, इस आल्पिन एवं रबर के तार को क्या है, रबर का कार्क एवं आल्पिन के द्वारा क्या है, इसको जोड़ते हैं, अर्थात तांबे के तार के द्वारा क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 4 के द्वारा समझ सकते हैं अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में विद्युत चालन, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है, ये क्या है, तनुकृत अम्लीय क्षारीय विलयन है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तनुकृत है, यहाँ पर रबर का कार्क है, यह आल्पिन है, यह बीकर है। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिया है 9 वोल्ट का बैटरी, बल्ब, स्विच, तांबे का तार। ओके, क्या बल्ब जला? तो हाँ, बल्ब जला। कैसे? तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। ओके, इसी प्रकार इसी प्रक्रिया को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ दोहराए। ओके, तो ठीक इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं हम लोग, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के द्वारा को दर्शाते हैं। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला क्या होता है, तो NaOH होता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसका भी क्या लेते हैं हम लोग, तनु विलयन लेते हैं, तनु विलयन अर्थात इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मात्रा होगा वह क्या होगा, कम होगा। ओके, क्या बल्ब अभी जला? तो हाँ, बल्ब अभी जला। कक्षा 9वीं में हमने क्रियाकलाप के द्वारा समझा है कि आयनिक यौगिकों के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। तो आई होप आप लोगों ने कक्षा 9वीं में जाना होगा कि आयनिक यौगिक के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब क्या होता है, वह जलने लगता है। अब ये आयनिक यौगिक होता क्या है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन व ऋण आयन घटकों में टूट जाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन व ऋण आयन घटकों में टूट जाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। कैसे? तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, लवण होता है। ओके,
तो जिसको क्या करता है, कुछ भी जली विलयन में क्या करता है, घोल लेता है, जैसे कि वाटर में घोलते हैं तो जैसे कि H2O, जो कि क्या वाटर का फॉर्मूला था, किसी भी जली विलयन में घोलते हैं तो क्या मिलता है हमको, यह दो आयन में विभक्त हो जाता था, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन में क्या हो जाता है, वह विभक्त हो जाता है, अर्थात आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वह यौगिक जो किसी विलयन में, अर्थात वह यौगिक जो किसी विलयन अर्थात एचओएच के अर्थात किसी भी विलयन रहता है, ओके, अर्थात कोई भी जलीय विलयन, तो वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक किसे कहता है, तो वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन व ऋण आयन में विभक्त हो जाता है आयनिक यौगिक कहलाता है। ओके, तो इसका आप लोग यदि हम लोग इसका यूज देखें तो जैसे कि हम लोग इसका यूज घरों में करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने जैसे कि कोई गाँव में रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि गाँव में क्या किया जाता है, जैसे कि अर्थिंग के लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग में क्या है, यदि विद्युत की धारा को क्या है, यदि उसकी बढ़ने की दर को क्या करता है, तेज किया जाता है, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, जो नमक होता है क्या किया जाता है, नमक को पानी में घोला जाता है, उसके पश्चात अर्थिंग में डाला जाता है, ताकि उसमें क्या होता है, जो विद्युत की जो प्रवाह की धारा वो क्या होता है, तेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मात्रा में क्या होता है, वृद्धि होता है। ओके, तो कुछ साल पहले क्या है, इसका उपयोग ज्यादा होता था क्योंकि घरों में क्या किया जाता है, अर्थिंग का ज्यादा यूज किया जाता था, परंतु आधुनिक समय में क्या है, इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जहां पर भी क्या होता है अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, वहां पर क्या है, नमक का गोला का उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होने की दर को क्या है, वृद्धित करने के लिए नमक के घोल का उपयोग किया जाता था। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड था, जो नमक होता क्या करता है, वह जली भी लेना था तो वाटर में घोल कर क्या है, सोडियम क्लोराइड एवं Na++Cl- अर्थात धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है, जिसकी वजह से वह विद्युत धारा प्रवाहित करता है, जिसकी वजह से जो विद्युत के प्रवाहित होने की दर में क्या होता है, वृद्धि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके ओके, तो चलिए अब इसके रीजन को समझते हैं, इस क्रियाकलाप के में क्या होता है, जो अम्ल एवं क्षार को उपयोग करता है फिर भी क्या होता है, इसमें विद्युत का धारा प्रवाह होता है। ओके, तो चलिए अब इसके रीजन अर्थात इसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं, आई होप आप लोगों का इसका रीजन पता चल गया होगा, तो चलिए फिर भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, हम लोगों ने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा वह कम होता है, और इसमें क्या होता है, इसका जो जलीय विलयन होगा उसका जो मात्रा होगा वह अधिक होगा। ओके, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ओके, तो चलिए इसके समीकरण को समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका समीकरण ले रहा हूँ, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है क्या करता है, वो जलीय विलयन जैसे कि H2H में क्या होता है, वह क्या होता है, जैसे इसमें डाला जाता है अर्थात उत्प्रेरक नली में, तो क्या होता है, वह हाइड्रोजन प्लस एवं Cl- अर्थात धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन में विभक्त हो जाता है, अर्थात जली विलयन में क्या होता है, वह H+ एवं Cl- में विभक्त हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से यह बल्ब क्या होता है, जलता है। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने सेकेंड में क्या रखा था, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे अर्थात NaOH तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, जो कि HOH अर्थात जली विलयन में क्या होता है, वह Na+ एवं OH- आयन में विभक्त हो जाता था, यह भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है क्या होता है, वह सोडियम आयन एवं हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इस वजह से यह जो बल्ब है वह जलता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयनिक पदार्थ विलयन में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्युत का चालन करता है। ओके, तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि जो अम्ल एवं क्षार होता था, जो हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए थे एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लिए थे, वो क्या होता है, वह जली विलयन में क्या होता है, वह धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन में विभक्त हो जाता है, जिसकी वजह से विद्युत का चालन होता है। ओके, इसी प्रकार उपरोक्त क्रियाकलाप में अम्ल और क्षार के विलयन द्वारा विद्युत चालकता यह प्रदर्शित करते हैं कि अम्ल और क्षार का भी आयनीकरण होता है। ओके, तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार के विलयन में क्या होता है, जो इसके आयन में विभक्त होने से क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, तथा इस प्रकार से प्रदर्शित करता है कि
कि अम्ल और क्षार का भी आनिकरण होता था। अम्ल और क्षार भी क्या होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन में विभक्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।